बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर के इस सेक्शन में आपका स्वागत करती हूं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे सी सेट के प्रश्न में आने वाले छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में। ठीक है, अब तक मैंने आपको छत्तीसगढ़ी से संबंधित कुछ प्रश्न पहले ही डिस्कस किए हैं आपके साथ में, पर अब हम थोड़ा सा कुछ नए प्रश्नों के साथ में अपने आप को परखने की कोशिश करते हैं, जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति, पहेली, समास और व्याकरणिक तत्वों में विकारी और अविकारी शब्दों से संबंधित प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है, सिरतोन शब्द का आशय क्या है। ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी एकदम स्वच्छ, ऑप्शन नंबर सी चिंता और ऑप्शन नंबर डी है सचमुच। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ी में यदि हम सर्टनली ट्रू यदि हम बात करते हैं कि सच में ऐसा हुआ क्या, तो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं सिरतोन असने होय रे सेका, इसलिए सिरतोन शब्द का छत्तीसगढ़ी आशय होगा हिंदी में सचमुच के लिए, सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, कोती शब्द किस तरह का अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए क्रिया, ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है संबंध सूचक और ऑप्शन नंबर डी है प्रविशेषण। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों है, क्योंकि ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब जब हम हिंदी में इधर उधर जिधर किधर कहते हैं तो छत्तीसगढ़ी में एती ओती जेती तेती कती कहते हैं। कुछ लोगों के द्वारा इस कती का कोती के भी नाम से इस्तेमाल जो है किया जाता है, इसलिए कोती शब्द जो इनडेक्लिनेबल वर्ड्स है वो एडवर्ब से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, जो पूछा है आपको एक शब्द झार, झार का अर्थ जो है, झार का सही अर्थ में प्रयोग इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिया है तेज नमक ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी है तीखा, ऑप्शन सी है जाला, ऑप्शन डी है पेड़। एक ये क्वेश्चन जो लिया गया है वो अनेकार्थी शब्द से लिया गया है। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका कि नाम एक होता है परंतु प्रसंग और प्रयोग के अनुसार अलग अलग प्रयोग के उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो एक शब्द और उसके अनेक अर्थ, वन वर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग यदि हम कहें तो ये है अनेकार्थी शब्द। छत्तीसगढ़ी में झार ये एक अपभ्रंशित रूप है किसका, झाड़ यानी कि पेड़ का, एक अपभ्रंशित रूप है झाड़ यानी पेड़ का। और साथ में अगर हम तीखा लग रहा है कहते हैं तो भी झार लागत है बोलते हैं, साथ में अगर सब्जी में तेज नमक हो जाए तो झार हो गए है कहा जाता है। लेकिन जो जाला है इसको हम छत्तीसगढ़ी में झार नहीं कहते हैं, तो झार का सही अर्थ में प्रयोग इनमें से नहीं है, तो वो है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी जाला। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ने पूछा है, सास पत्तों में समास है, सास पत्तों में समास है। ऑप्शन दिया है आपको बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है द्विगु और ऑप्शन डी है कर्मधारय। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो सास औ बहु, इसका अगर हम विग्रह करें तो सास और बहु, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में पत्तों को हम बहु कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी अगर विग्रह करें सास औ बहु, दोनों पक्षों की प्रधानता होने की वजह से इसका आंसर बनता है सास पत्तों में समास है, तो ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, कौन हर किसके लिए प्रयोग होने वाला सर्वनामिक शब्द है। छत्तीसगढ़ी में कौन हर ये एक शब्द है, यह शब्द किसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द है जो सर्वनामिक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम और ऑप्शन नंबर डी है संबंध सूचक सर्वनाम। आंसर हम लेते हैं कौन हर, कौन का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में कौन, हिंदी का
कौन है। अगर हम कहें तो हिंदी में ये हमारे लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए यूज होने वाला वर्ड है, मतलब कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो कौन हर किसके लिए प्रयोग होने वाला सर्वनामिक शब्द है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ओखर सर्वनाम का हिंदी शब्द क्या होगा। ओखर इस सर्वनाम का हिंदी शब्द क्या होगा कहते हैं। ऑप्शन है उनका, ऑप्शन बी है उन्हें, ऑप्शन सी है उसका और ऑप्शन डी है इसका। इसके लिए आंसर होगा ओकर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, उसका। ठीक है, हम हिंदी में कहते हैं ना ओखर है, मतलब कि उसका है। ठीक है, एहर काकर है, मतलब यह किसका है, तो हम कहते हैं एहर ओकर है, मतलब उसका है। अब आप कहेंगे कि ओकर और ओखर दो अलग शब्द हैं क्या। नहीं, छत्तीसगढ़ी में क जो है एक ऐसा वर्ण है जो आवश्यकता के अनुसार कभी कभी ग में कभी कभी ख में बदलता है, क्योंकि शाक से साग, शोक से सोग और प्रकट से प्रगट हो जाता है। लेकिन बिलासपुर के क्षेत्र के कुछ एरिया में इसका प्रयोग क से ख भी होता है, जैसे एकर न बोल करके एखर, ओकर न बोल करके ओखर। दैट्स वाई यहाँ पर ओखर हिंदी में हम उसका के लिए छत्तीसगढ़ी में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है अस को लेकर, जिसमें कहा गया है चंदा अस में प्रयुक्त अस शब्द किस विशेषण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर दो मतलब बी है आपका सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर थ्री है परिमाणवाचक विशेषण और ऑप्शन नंबर डी है तुलनात्मक विशेषण। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अस का। अस का मतलब होता है जैसा। ठीक है, जैसे चंदा अस, चंदा कस, मोर अस, तोर कस, मतलब जब किसी दो वस्तुओं में या व्यक्ति में, चाहे वो सर्वनामिक शब्द हो या संज्ञा शब्द हो, जब छत्तीसगढ़ी में कंपैरिजन किया जाता है तो हम हिंदी में सा का प्रयोग करते हैं ना, जैसे कि मुझसा, छोटा सा, बड़ा सा, मध्यम आकार का। तो जब हम सा का प्रयोग करते हैं, सा और जैसा का प्रयोग करते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ी में अस कभी कभी असन, कभी कभी कस, कभी कभी कसन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चंदा अस, चंदा कस, मतलब चांद सा, चंदा सा। इसी प्रकार बड़े अक भी बोलते हैं, अक कन कून कीन, है ना, कन कून कीन का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नान कन, छोटा कून, बड़े कीन अगर बोलते हैं, छोटक मंझोलक बोलते हैं, मतलब ये सारे तुलनात्मक शब्द हैं जिसका प्रयोग हम जैसा शब्द के सादृश्यता के लिए करते हैं। इसलिए चंदा अस में प्रयुक्त अस शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर डी, तुलनात्मक विशेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में, वर्तमान काल की क्रिया हेतु कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है। वर्तमान काल की सहायक क्रिया क्या होती है, जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वर्तमान काल की सहायक क्रिया हम है का प्रयोग करते हैं, भूतकाल के लिए था, थे, थी का प्रयोग करते हैं और भविष्य काल के लिए गा, गे, गी का करते हैं। वैसा ही प्रयोग छत्तीसगढ़ी में किया जाता है। ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर न ए, ऑप्शन बी है त, ऑप्शन सी है य और ऑप्शन डी है औ। मैं आपको बता दूं, वर्तमान काल के लिए हम, यहाँ मैं एक चार्ट बनाकर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वर्तमान काल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ होता है हमारा प्रथम पुरुष, यहाँ होता है मध्यम पुरुष और यहाँ होता है अन्य पुरुष। ये है फर्स्ट पर्सन, वक्ता जो बात को कहता है, ये होता है सेकंड पर्सन, श्रोता जो बात को सुनता है और ये थर्ड पर्सन होता है सब्जेक्ट यानी कि विषय जो बात को सुनते हैं। चूंकि यहाँ दो प्रकार के वचन पाए जाते हैं, एक होता है एकवचन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे लिए बहुवचन। ठीक है, एकवचन में वक्ता के लिए हम कहते हैं मैं हर या हम कहते हैं मैं हर, मध्यम पुरुष के लिए तैं हर या हम कहते हैं तें हर, और अगर वो दूर्स में है तो हम इसके लिए थर्ड पर्सन के लिए पास में है तो ए हर और दूर में है तो हम कहते हैं ओ हर। बहुवचन में मैं हर से बन जाता है हम मन का मिश्रित रूप हमन, तुम मन का मिश्रित रूप तुमन, और ए हर से हो जाता है ए मन और ओ हर से बन जाता है ओ मन। ठीक है, अब जैसे संस्कृत में होते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और वहाँ हम प्रत्यय लगाते ती तह अंति, सी थ मी वह मह, मतलब सह पठती वह पढ़ता है,
तौ पठतः वेदों पढ़ते ते पठंती वे सब पढ़ते, वैसे ही छत्तीसगढ़ी प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ ही को संस्कृत की पठियारी बहन का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ को संस्कृत की पठियारी बहन कहा है डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी ने। क्यों कहा है? क्योंकि कुछ नियम जो है वो संस्कृत को फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल होता है औ का, मतलब मैं हर जात औ, मतलब कि मैं जाता हूँ। ते हर जात अस, मतलब कि तुम जाते हो, और ओ हर जात ए, मतलब कि वह जाता है। अब छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि यहाँ पर जब क्रिया के मूल धातु में त और यहाँ पर औ है, जिसका उच्चारण हमारे द्वारा हौ किया जाता है, ठीक है ना, जिसका उच्चारण हम करते हैं हौ, ठीक है, यहाँ से हस हो जाता है और यहाँ से हे हो जाता है। तो 90% पर्सन क्या बोलता है, मैं हर जात हौ, तय हर जात हस, ए हर जात हे। अब हम क्या सुनते हैं कि जब इस त के साथ में ह जुड़ता है तो दोनों कर था हो जाता है, इसलिए हमारे द्वारा उच्चारण क्या निकलता है, मैं जात हूं, तें जाथस, ओह जात है ना। लेकिन ऑप्शन यहां पर क्या दिया हुआ है कि वर्तमान काल की क्रिया है तो कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो रियल फॉर्म में हम औ को जोड़ते हैं, मैं हर जात औ, लेकिन उच्चारण में हौ, और त और ह मिलकर थ बनता है, इसे सुनाई देता है जात हौ। और इसी तरह हमन से हमन जात अन, तुम मन जात औ, ए मन या ओ मन जात ए, फिर हमारा उच्चारण हो जाता है हम मन जात हन, तुम मन जात हौ, ए मन या ओ मन जात हे, फिर से कंजक्ट हो गया था और थ, तो क्या हो गया, हमन जात हन, तुम मन जात हौ, ए मन या ओ मन जात हे। तो उत्तर क्या होगा इसका, आंसर नंबर होगा आपका ऑप्शन डी, औ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपदान कारक के शब्द में कौन सा है जो प्रयोग किया जाता है? छत्तीसगढ़ी में अपदान कारक के लिए कौन सा प्रत्यय या कौन सा शब्द के वर्ण जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं? तो अपदान क्या होता है, अपदान का मतलब होता है कर्ता और क्रिया से चीज़ों का तुलना, भय डर की वजह से पृथककरण हो जाना। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर वन दिया है, या ऑप्शन नंबर ए है के, ऑप्शन नंबर बी है मेर, ऑप्शन नंबर सी है आपका ले, और ऑप्शन नंबर डी है आपका करा। ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं यहां पर अपदान कारक में कौन सा शब्द है जो प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ले, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रुख ले पाना झरत है, रुख ले पाना झरत है, कभी कभी यहां हम से का भी प्रयोग करते हैं, मोर से गिलास छूट गए, मोर हाथ से गिलास छूट गए और रुख ले पाना झरत है, तो ऑप्शन नंबर सी ले और से का निश्चित उत्तर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी गुरु, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी है आपका एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मंदिर, ठीक है। तद्भव क्या होते हैं, संस्कृत के शब्दों का हिंदी रूपांतरण कहलाता है तद्भव, ठीक है। गंगा, गुरु, बलराम, अटल, अचल, मंदिर, ये सब हमारे लिए तत्सम शब्द है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, तो यहाँ ऑप्शन में गंगा, गुरु, मछरी और मंदिर, इनमें से मछरी जो है वो तद्भव शब्द है। देखिए झस का बनता है मीन, ठीक है, मीन को हम मत्स्य भी कहते हैं, मत्स्य से होती है मछली, चूँकि छत्तीसगढ़ी में ल र में कन्वर्ट होता है अवधि के प्रभाव से, इसलिए मछली से बन जाती है मछरी। तो आंसर नंबर सी मछरी, ये छत्तीसगढ़ी का तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, इया प्रत्यय लगाकर बनाया गया स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए भैया, ऑप्शन नंबर बी बड़ी पड़िया, ऑप्शन नंबर सी बछिया, और ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। चूंकि भाई
एक पुरलिंग शब्द है, आपको मैं बता दूं कि कभी कभी छत्तीसगढ़ी में लघु से दीर्घ बनाने के लिए हम यहाँ वा प्रत्यय का और इया प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर वह बाघ है जो लघु है तो इसका दीर्घ बनाने के लिए वा प्रत्यय लगाकर बघुआ बनाते, जैसे बूढ़ा से बूढ़वा, टूरा से टूरवा, घोड़ा से घोड़वा। लेकिन जो स्त्री सूचक होते हैं ना उसमें हम इया लगाते, जैसे नदी, ठीक है ना, अब हम इसको नदिया कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह देखा जाए तो हम बूढ़ी से बूढ़िया, घोड़ी से घोड़िया बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि प्रश्न में इया प्रत्यय बनाकर लगाया गया स्त्रीलिंग शब्द। अब भाई पुल्लिंग है तो हम इसका दीर्घ रूप में भैया कहते हैं, लेकिन भाई से भैया दीर्घ रूप हुआ, स्त्रीलोप नहीं हुआ। लेकिन यदि वो बछवा कहता है, बछवा बोले तो गाय का बच्चा, तो हम बछवा कहते, जो हिंदी में बछड़ा होता है, तो बछवा से स्त्री सूचक में बच्चिया। इसी प्रकार भैंस का बच्चा को हिंदी में पाड़ा कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में वो पड़वा है, तो इसका स्त्री सूचक हो जाती है पड़िया। सो हुआ क्या यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी दोनों आपके यहाँ पर इया प्रत्यय लगाकर बनाया गया स्त्रीलिंग शब्द है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि अगला प्रश्न क्या कहता है, जाति, धंधा, कार्य और राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करने वाले शब्द में स्त्री सूचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न ने क्या कहा है कि जाति, धंधे, कार्य, राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करने वाले पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने हेतु कौन से प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जहां आपको ई, ऑप्शन नंबर ए दिया है ई, ऑप्शन नंबर बी दिया है इया, ऑप्शन नंबर सी दिया है नीन और ऑप्शन नंबर डी दिया है इन। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर ई की। किसी भी पुरलिंग को ई में बदल दे, जैसे टूरा से टूरी, छोकरा से छोकरी, सारा से सारी, बेंद्रा से बेंद्री, कुकरा से कुकरी, ठीक है। दूसरा इया प्रत्यय, जैसे मैंने अभी बताया कि गौटिया है तो गौटनी ने कहते हैं, लेकिन अगर वो पड़वा है तो पड़िया, बछवा है तो बछिया कहते हैं। इसी तरह नीन की बात करें तो जिस शब्द का अंत ई से होता है या इया से होता है वहाँ नीन लगाते हैं। अब जैसे यहाँ सारा से हो गया हमारे लिए सारी, ठीक है, टूरा से टूरी, छोकरा से छोकरी, ठीक है, ई प्रत्यय लगाकर। जब मैंने आपको बताया इया प्रत्यय लगाकर, तो मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताया था बछवा से बछिया, ठीक है। अब यहाँ पर ई और इया से जो खत्म होने वाले शब्द उसमें नीन लगाते हैं, जैसे कि धोबी है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, धोब नीन, ठीक है। इसी तरह गौटिया है तो हम क्या कहते हैं, गौट नीन, ठीक है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के शब्द के प्रयोग सुन रहे हैं जहाँ जिसका अंत अ से, ध्यान से समझेंगे बच्चों, जिस शब्द का अंत अ से हो या ई से हो, जिस शब्द का अंत अ और ई से हो, लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति की जाति, धर्म है, उस व्यक्ति की राष्ट्रीयता है, उस व्यक्ति की पहचान है, उस व्यक्ति का कार्य है, तब वहाँ पर हमारे द्वारा ऑप्शन नंबर डी, इन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जैसे मास्टर है तो मास्टरिन, डॉक्टर है तो डॉक्टरिन, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें जैसे मराठी तो मराठीन, बंगाली से बंगालिन होता है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं एग्जांपल में, जैसे कि हम प्रयोग कर रहे हैं किसान, जो उसकी पहचान है, तो किसानिन बनता है। अब कन्फ्यूज़न ख़त्म करते हैं कि किसान में यदि हम नीन जोड़ेंगे तो किसाननीन होगा, लेकिन अगर हम किसान में इन जोड़ेंगे तब वो हमारे लिए किसानीन बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनता है, आंसर नंबर है आपका डी, इन प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है आमा के बिरवा में कौन सी कारक रचना है। ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन नंबर बी करण, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान और ऑप्शन नंबर डी संबंध। छत्तीसगढ़ी में भी कारक रचना जो है वो होती है। इस कारक रचना की एक विशेष पहचान होती है कि कारक रचना क्या होती है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित हो, जैसे कि कर्ता स्वयं कार्य को करने वाला, उसके द्वारा किया जाने वाला कर्म, जिस साधन का इस्तेमाल करे वो करण,
किसी को समर्पित करे तो संप्रदान, अगर कर्ता से पृथक है तो अपादान, ठीक है। और कर्ता और क्रिया का संबंध है और कार्य का स्थान है अधिकरण, और कर्ता को संबोधित करने वाला शब्द है संबोधन, ठीक है। जिस तरह हिंदी में है ना कि कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का, के की, अधिकरण में पर संबोधन है ओ, अरे छत्तीसगढ़ी में भी इसके लिए कारक चिन्ह है। जैसे कर्ता हर, कर्म ला का, संप्रकरण ले से, संप्रदान बर खातिर लेखे, और एक और ऐड कर देते हैं लाने, जो बुंदेलखंड बघेली की प्रभावित क्षेत्र में बोले जाते हैं। अगला है अपादान ले से, संबंध है के और कर, अपादान है माँ में करा, और यहाँ पर है अगा, अ ओ जी और रे। यहाँ आमा के बिरवा में कौन सी कारक है कहें तो छत्तीसगढ़ी में के और कर ये संबंध सूचक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर दिया है कर्म, जबकि कर्म के लिए है ला या का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया है करण, जिसके लिए हम ले और से का प्रयोग करते हैं। संप्रदान में बर खातिर लेखे और लाने का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संबंध कारक रचना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हमूला शब्द से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए हमूला, ऑप्शन नंबर बी हमला, ऑप्शन नंबर सी हाँ कहना, ऑप्शन नंबर डी घड़ा। छत्तीसगढ़ में पानी भरने का पात्र पीतल का जो होता है उसे हौला कहा जाता है, जिसका संबंध घड़ा से भी लिया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी घड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय कोठा में प्रयुक्त समास है। कोठा किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, जहाँ गाय को बांधा जाता है वो है कोठा। लेकिन कोठी क्या होता है, जहाँ अनाज को, धान को इकट्ठा करके रखा जाता है वो है कोठी, ठीक है। तो गाय कोठा, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो गरुआ बर कोठा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि संप्रदान को और के लिए, इसके लिए छत्तीसगढ़ी में बर या खातिर का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो गरुआ बर कोठा होगा। ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है द्विगु और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। जिस समासिक पद रचना को विग्रह करते समय यदि कर्म से अधिकरण तक की कारक विभक्तियां उनके मध्य पाई जाती हैं तो उस समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास को यदि हम विभक्ति के अनुसार देखें तो कर्ता चूंकि स्वयं एक कारक है इसलिए कर्ता को गिना नहीं जाता, बल्कि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इस तरह छह तत्पुरुष समास होते हैं। जब ये समस्त पद में होते हैं ना तब कारक विभक्तियां लुप्त अवस्था में होती हैं, लेकिन जैसे ही विग्रह किया जाता है तो कारक रचनियां जो हैं वो प्रदर्शित होने लगती हैं। अब इसमें गरुआ बर कोठा कहते हैं तो यहाँ ऑप्शन दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था, ठीक है ना। गरुआ कोठा में समास है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तत्पुरुष भी कह सकता था, या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी तत्पुरुष भी कह सकता था। क्यों कह सकता था, क्योंकि जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान है, संस्कृत में ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति के नाम से पुकारी जाती हैं, इसलिए इस तत्पुरुष को दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता, चूँकि यहाँ पर वो अंदरूनी चीज़ को नहीं पूछा कि कौन सा तत्पुरुष है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना ख्याल रखें कि समस्त पद को हम जब विग्रह करते हैं और हमें वहाँ पर कारक विभक्तियाँ मिलती हैं तो वो तत्पुरुष समास कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दिन का भोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जेवन, ऑप्शन नंबर टू बियारी, ऑप्शन नंबर थ्री भोज, ऑप्शन नंबर फोर नाश्ता। दिन के भोजन को छत्तीसगढ़ी में जेवन कहा जाता है और रात्रि के भोजन को छत्तीसगढ़ी में बियारी कहा जाता है। भोज किसी पंगत को बिठा कर या किसी विशेष ओकेशनल किया जाता है उसे भोज कहा जाता है, और नाश्ता तो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति खाता ही नहीं है क्योंकि सुबह बासी खाकर या खाना खाकर ही वो अपने काम पर निकलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेवन। अगला प्रश्न, लेवना कहते हैं।
ऑप्शन नंबर ए खरगोश, ऑप्शन नंबर बी लेना, ऑप्शन नंबर सी मक्खन, ऑप्शन नंबर डी मलाई। छत्तीसगढ़ में मक्खन को लेवना के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर सी मक्खन। अगला प्रश्न कहता है अपात्र किसे कहा जाएगा। अपात्र एक प्रशासनिक शब्द है छत्तीसगढ़ी में, इसके लिए क्या अर्थ लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जेकर कोई पात्र चरित्र ना हो, ऑप्शन नंबर बी जेकर करा बर्तन भाड़ा नहीं हो, ऑप्शन नंबर सी नलायक होना, ऑप्शन नंबर डी कोई चीज़ नहीं पाना। छत्तीसगढ़ी में अपात्र को कहते हैं नालायक होना, मतलब जिसके पास किसी भी काबिल का वो नहीं है, मतलब वो किसी भी क्वालिटी का पर्सन नहीं है, इसलिए उसे अपात्र कहा जाता है। जिसको हम छत्तीसगढ़ी में अपात्र है उसके लिए छत्तीसगढ़ी में हम नालायक होना कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक आंसर है। दूध के ऊपर की मलाई को कहा जाता है छाछ, साड़ी, साड़ी, करधनी। तो आंसर क्या होगा इसका, दूध के ऊपर की मलाई को साड़ी कहा जाता है। अब देखिए साड़ी और साड़ी एक ही जैसा उच्चारण होने वाला, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। ये साड़ी कहकर एक हमारे महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, लेकिन दूध के ऊपर की मलाई को साड़ी कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो दूध के ऊपर की मलाई को ऑप्शन नंबर सी साड़ी के नाम से पुकारा जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा युग्म असंगत है, मतलब यहां पर एक छत्तीसगढ़ी वर्ड दिया है जिसके बगल में उसके हिंदी के अर्थ दिए हैं, जैसे धुर्रा धूल, रापा फावड़ा, फरिया थाली, और इसी तरह लबारी झूठ। छत्तीसगढ़ी में धूल को ही धुर्रा कहा जाता है, फावड़ा को रापा कहा जाता है, झूठ को लबारी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी फरिया, फरिया चिंदी कपड़े को कहा जाता है, मतलब कपड़े का टुकड़े को फरिया कहा जाता है, थाली को फरिया कहा नहीं जाता। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी फरिया थाली, ये जो है वो असंगत शब्द माने जाएंगे। अगला प्रश्न है हाथी का स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ ही समय पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि जिस शब्द का अंत होता है हमारे लिए ई से या ईया से, तो वहाँ हम लगाते हैं नीन प्रत्यय, है ना। जब हम नीन प्रत्यय लगाएंगे तो हाथी का स्त्रीलिंग बनाने के लिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है हाथीन, ऑप्शन बी है हाथीनी, ऑप्शन सी है हथनीन, और ऑप्शन डी है हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पर हाथीनी। लेकिन जब ई और ईया से अंत करता है तो हम नीन प्रत्यय लगाते हैं, तो हाथी का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हथनीन। अगला प्रश्न, बहुवचन का सही प्रयोग किस शब्द में गलत है। हमन, टूरामन, खेतमन, पूंजीमन। अब यहाँ पर आंसर है आपका आंसर नंबर सी पूंजीमन, क्योंकि यहाँ पर हम बहुवचन शब्द है मैं का, हम में मन जोड़ने से इसका लोग अर्थ निकलकर हम मन से हमन होता है। इसी तरह लईका मन, छेरी मन, दीदी मन, फुफ्फू मन, टूरा मन बनता है। यहाँ तक कि मनुष्य जब बात करता है तब कहता है जम्मो खेत मन पानी बिना सुखा गए, लेकिन पूंजी अपने आप में बहुवचन शब्द है जहाँ मन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर गलत है। तो निम्न में से बहुवचन का सही प्रयोग जो है वो नहीं है, और वो है ऑप्शन नंबर आपका डी पूंजीमन। अगला प्रश्न है धुक धुकी, धुक धुकी है, धुक धुक करना, धड़कन, धक्का या धकेलना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो धुक धुकी है वो छत्तीसगढ़ी में धड़कन को कही जाती है, छत्तीसगढ़ी में धड़कन को धुकधुकी कही जाती है। शरीर के अंगों के नाम यदि आप पढ़ते हैं, जैसे माठा माथा या लीलार या ललाट कहते हैं, आँखी कहते हैं, आँखी के पुतरी कहते हैं, ठीक है, इसी तरह गर, घेंच, गेबड़ी, डेटू, मंजरेठा कहते हैं, इसी तरह हम हाथ कहते हैं, और देखा जाए तो पार्ट बिटवीन रिस्ट एंड एल्बो इट्स कॉल्ड मरुआ।
ये है हथेरी, अंगठा और ये हो गई अंगरी, ठीक है। और इसी में अगर हम डायफ्राम जहाँ पर हमारा होता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी धड़कन मतलब जो स्पंदन जहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ी में धड़कन को कहा जाता है धुकधुकी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। अलॉटमेंट का छत्तीसगढ़ी स्वरूप होगा, अलॉटमेंट करना छत्तीसगढ़ी स्वरूप होगा बंटवारा, बांटा, बटई, ऑप्शन नंबर डी है सभी। देखा जाए तो किसी चीज़ को बांट देना, बंटवारा करना भी अलॉटमेंट करना है, बांटा मतलब बांट दिया गया वो भी अलॉटमेंट है, बटई की प्रक्रिया मतलब बांट देने की प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों या ऑप्शन नंबर डी सभी आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एग्जाम्पल जो दिया है छत्तीसगढ़ी का, अगला प्रश्न कहता है पनही का अर्थ है, पनही का अर्थ है पहनने की क्रिया, पनिहारीन जूता या आभूषण। छत्तीसगढ़ी में पुरुषों के द्वारा जो पहने जाते हैं जूता उसको कहते हैं पनही, चप्पल को कहते हैं हरपा, लकड़ी का जो सन्यासी पहनते हैं वो है खड़ऊ, चमड़े का विशेष चप्पल कहलाता है भंदई, लेकिन पनही छत्तीसगढ़ी में जूता को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। राम सिंह भात खात है, इस वाक्य में क्रिया पहचानिए, ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी सामान्य क्रिया। राम सिंह भात खाते है तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, जब किसी वाक्य में कर्म पाया जाता है तो वहां होती है सकर्मक क्रिया, जहाँ वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता वहाँ होती है अकर्मक क्रिया। प्रश्न पूछा जाए और कर्म से संबंधित जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया, और कर्ता से संबंधित जवाब मिले तो अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ है राम सिंह भात खात है, हिंदी रूप देखा जाए तो राम सिंह भात खाता है, कौन खाता है, राम सिंह खाता है, राम सिंह के द्वारा क्या खाया जाता है, भात खाया जाता है, तो खाना क्रिया है जिसका कर्म है भात, इसलिए राम सिंह भात खाते में ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया होती है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न दिया है हिंदी में जिसमें लिखा हुआ है तुम लोग लिखोगे, इसका छत्तीसगढ़ी वाक्य निम्न में से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए तुमन लिखो, ऑप्शन नंबर बी तुमन लिखिस, ऑप्शन नंबर सी तुमन लिखेव और ऑप्शन नंबर डी तुमन लिखी हो, ठीक है। जैसे मैंने वर्तमान काल का बताया ना, वैसे ही भविष्य काल के लिए भी प्रयोग किया जाता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, ठीक है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी में मैं हर जाहूँ या मैं हर जई हाँ, तय हर जाबे, ओ हर जाही या जई है का प्रयोग किया जाता है एक वचन के लिए, ठीक है। दूसरा बहुवचन में हमन जाबो या जाबोन का, आप मन या तुमन जाहो या जई हो, ठीक है, तुमन जाहो या तुमन जई हो का प्रयोग करते हैं, ए मन जाही या जई है का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, तुम लोग लिखोगे, अब अगर हम लिख शब्द से इस्तेमाल करें तो क्या बनेगा, मैं लिखूंगा तो मैं हर लिख हूँ या मैं हर लिखी हाँ, तय हर लिखबे, ओ हर लिख ही। और अगर हम कहते हैं बहुवचन में तो हमन लिखबो या हमन लिखबोन, तू मन या आप मन लिखो या आप मन लिखी हो, और ओमन लिखी या ओमन लिखे हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, हो। तो यहाँ पर क्या दिया है, तू मन लिखी हो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि तुम लोग लिखोगे, इसका छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा तू मन लिखी हो। अगला क्वेश्चन है पहली से, कि बीच तरिया माँ गोबर थाल, इस जनौला का उत्तर क्या है, बीच तरिया माँ गोबर थाल, इस जनौला का अर्थ बताइए। एक ऑप्शन दिया है आपका मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर बी है आपका कछुआ, ऑप्शन नंबर सी है आपके लिए मछली और ऑप्शन नंबर डी है आपका गोबर का छेना। आंसर अगर हम बात करें यहाँ पर बीच तरिया माँ गोबर थाल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है कछुआ, जो बीच तरिया में गोबर थाल के नाम से पुकारा जाता है जनौला के तौर पर, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें पूछा है कूड़ा ससुर है, छत्तीसगढ़ में इसके आंसर क्या होंगे,
ऑप्शन नंबर ए है पति का बड़ा भाई, ऑप्शन नंबर बी है पति का छोटा भाई, ऑप्शन नंबर सी है पति के पिता और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अब हम इसके उत्तर की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर पति के बड़े भाई को कूरा ससुर कहा जाता है और पति के पिता को कहा जाता है ससुर और पति के छोटे भाई को कहा जाता है देवर। इसलिए कूरा ससुर का आंसर होगा आंसर नंबर ए पति का बड़ा भाई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पोटारना है। ऑप्शन नंबर वन अतड़ी, ऑप्शन नंबर बी पेटी बनाने वाला, ऑप्शन नंबर सी गले लगाना और ऑप्शन नंबर डी पोठा जाना। छत्तीसगढ़ के अंदर जब हम किसी को आलिंगन करते हैं या किसी को गले लगाते हैं तो वह जो क्रिया होती है छत्तीसगढ़ी में पोटारना कहलाता है। रपोटना का मतलब होता है चीज़ों को समेटना, लेकिन पोटारना का मतलब होता है गले लगाना। इसलिए पोटारना का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गले लगाना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मारिक मारा। अगला क्वेश्चन है मारिक मारा में समास है। ऑप्शन नंबर ए कर्मधार है, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर तीन सी द्विगु और ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीही समास। सबसे पहला दिमाग का कंफ्यूजन कहता है कि यहां पर टू वर्ड्स हैं इंक्लूडिंग विद हाइफन। When two words including with hyphen that called द्वंद्व समास, जहाँ दोनों शब्दों की बराबर प्रधानता होती है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होकर भी यदि वह शब्द किसी अन्य पद की ओर इशारा करता है तो व्यवहार में लेन देन की प्रक्रिया होने से वह हमारे लिए व्यतिहार हो जाता है। चूँकि तृतीय पद को बताता है इसलिए वह बहुव्रीही में व्यतिहार बहुव्रीही कहलाता है। और मारिक मारा मतलब परस्पर एक दूसरे को मारना। यहाँ पर पटकिक पटका यदि हम कहते हैं, खींचा तानी अगर हम खींचा खींचे कहते हैं, केशा केशी कहते हैं, ठीक है, इसे अगर धक्का धुक्की कहते हैं, ये सब हमारे व्यवहार में एक दूसरे के प्रति होता है। इसलिए जो मारिक मारा है उसमें ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीही समास है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अमसुर में प्रत्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अम, ऑप्शन नंबर बी है अ, ऑप्शन नंबर सी है र और ऑप्शन नंबर डी है सुर। ठीक है, तो तुर सुर और छुर जैसे शब्द का प्रत्यय की तरह प्रयोग करके हम विशेषण शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि गुर में तुर लगा दिया तो बन गया गुरतुर, मतलब कि मीठा। और इसी प्रकार नून में छुर लगा दिया तो बन गया नमकीन नून छुर। और उसी तरह आमा में यदि हम सुर लगा देते हैं तो अमसुर मतलब कि खटास वाली चीज़, मतलब खट्टापन आता है। और इसलिए अमसुर में प्रयुक्त प्रत्यय ऑप्शन नंबर डी है सुर। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कहता है तीतरा शब्द का अर्थ है। तीतरा शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए तीन नदियों के मिलने का स्थान, ऑप्शन नंबर बी तीन लड़की के बाद जन्म लेने वाला लड़का, ऑप्शन नंबर थ्री आपका सी तीन रास्तों का संगम और ऑप्शन नंबर डी तीन गांव की पंचायत। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जब कोई लड़की तीन बेटे के बाद जन्म लेती है तो उसे तीतरी कहते हैं। वैसे ही तीतरी के बाद यदि हम बात करें तीतरा की, तो तीतरा होता है तीन बेटियों के बाद जन्म लेने वाला लड़का, इसे हम तीतरा कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में जो छत्तीसगढ़ ही से आपको पूछा जा रहा है कि मातृभाषा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मातृभाषा, ऑप्शन नंबर बी मातरी भाषा और इसी प्रकार है ऑप्शन नंबर सी महतारी भाखा और ऑप्शन नंबर डी है आपका बी और सी दोनों। ठीक है, क्यों बी और सी दोनों हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ी के अंदर आरएफ वर्ण प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पहले ऑप्शन ने क्या कहा है, पहले ऑप्शन में यहाँ कहा है मातरी, ठीक है, मातृभाषा। ठीक है, आपका दिया है यहाँ पर मातृभाषा, ठीक है, फिर आपका दिया है महतारी भाखा और आंसर क्या लिया है बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। अब देखा जाए तो ये भी वही है जो ये है,
ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर आरएफ वर्ण का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जब वो धर्म कहना चाहता है तब उच्चारण धर्म होता है, इसी तरह अगर वो भ्रम कहना चाहता है तो उच्चारण होता है भ्रम। तभी तो श्रीपुर का नाम सिरपुर पड़ा है और दुर्ग को दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में आरएफ वर्णों के इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पर ऋषि का ही आरएफ वर्ण के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिसका प्रयोग छत्तीसगढ़ी में नहीं किया जाता है, इसलिए मातृभाषा सही होकर भी लेखन के तौर पर अशुद्ध है, इसलिए मातृभाषा कहते हैं, या तो मातृ को छत्तीसगढ़ी में महतारी कहते हैं, चूंकि ये षटकोण का श है जो स में भी और ख में भी प्रयोग होता है, तो हम भाषा को भाषा भी कह सकते हैं और भाखा के भी नाम से पुकारते हैं। सो आंसर नंबर डी इज क्लियर, कि ऑप्शन नंबर सी और आपका बी दोनों आपके लिए हैं इस मातृभाषा का एक सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए काबर, ऑप्शन नंबर बी कारण, ऑप्शन नंबर सी काकर और ऑप्शन नंबर डी कतका। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द में यदि हम ऑप्शन नंबर ए काबर का बात करें तो छत्तीसगढ़ी में इसका अर्थ होता है काबर मतलब किस लिए, काकर कहें तो इसका अर्थ होता है किसका, और अगर हम कतका बोलें तो इसका अर्थ होता है कितना, लेकिन कारण की बात करें तो कारण हमारे लिए प्रश्न सूचक शब्द नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी कारण। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हर शब्द में कारक है, कर्ता कर्म करण संप्रदान। छत्तीसगढ़ी में हिंदी के ने कर्ता ने, इसके लिए छत्तीसगढ़ी में हम हर का प्रयोग करते हैं, लइका हर, मैं हर, ए हर, तय हर, बहुरिया हर। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो कभी कभी यह उच्चारण मोस्ट ऑफ टाइम हा या ह सुनाई देता है, मैं हा, तय हा, ए हा, ओ हा। तो कर्ता ने के लिए छत्तीसगढ़ी में प्रयोग होने वाला कारक है हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए कर्ता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, एब्सेंस का छत्तीसगढ़ी अर्थ होगा, एब्सेंस का छत्तीसगढ़ी अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए नागा, ऑप्शन नंबर बी अनुपस्थित, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी हाजिर। छत्तीसगढ़ी में एब्सेंस के लिए नागा हो गए रिसम और बूतामा ये भी कहते हैं, मैं हाँ वहाँ अनुपस्थित रहें ऐसा भी बोला जाता है, लेकिन हाजिर का मतलब उपस्थिति या प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि आपका नागा और अनुपस्थित इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस तरह मेरे द्वारा आपको छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित कुछ प्रश्नों को नए तरीकों से समझाया गया है। कोशिश यही रही है कि छोटे से छोटे जो डाउट हैं उसको मैं आपको क्लियर करके बता सकूं। ज़्यादातर कोशिश करें कि भाषाओं में अपनी एक विशेष पकड़ बनाने की कोशिश करें, अक्षरशः उच्चारण का किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उच्चारण सही है, व्याकरणिक त्रुटियां नहीं हैं, तो बच्चों इसका प्रभाव जो है आपके निबंध के प्रश्न पत्र पर ज़रूर पड़ता है, इसलिए बहुत अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। आगामी परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई बच्चा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।